सैलरी है जी, अब जाके तो लगाएंगे इंशाल्लाह। और ये भाइयों के पास पड़े हुए हैं 600 एम्पीयर के, ये अगर आप लोग सेल लगा लें फिर रात 24 और आपका जो एसी है वो फ्री चल सकता है। ये है जनाब 750 एम्पीयर का, वो है 600। हाँ ये वाले 600 के हैं, अगर ये अगर आप लोग सेल लगा लेते हैं तो इंशाल्लाह 24 घंटे आपका जो एसी है वो फ्री चलेगा। और ये 1500 एम्पीयर के हैं, तो जितनी महंगी बिजली है मैं तो आपको मशवरा करूँगा कि आप इस तरह के सेल ये वाले बड़े लगाएं, तो इंशाल्लाह बिजली का मीटर बेशक तार दे ख़त्म कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है। ये जर्मनी का सेल, हाँ ये जर्मनी का सेल है और बहुत ज़बरदस्त बैकअप है। मैंने ये सिर्फ 300 एम्पीयर के लगाए हैं और मेरा 24 आवर जो है ना पंखा वगैरह फ़ैन वो फ्री चलता है, दिन के टाइम एसी जो इसके ऊपर चलता है। तो आप लोग भी इधर आ सकते हैं, ये द्रोवे वाले के साथ ही है भाईजान की शॉप, फैक्ट्री है बल्कि। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है, ठीक है, साथ बात कर रहा हूँ। आज हम आपको दिखाते हैं कि सोलर में प्रॉब्लम आ रही थी उसकी चार्जिंग यानी डाउन हो जाती थी, रात को बंद हो जाता था, तो अभी हम उसकी सफाई वगैरह करने लगे। सर्विस हर साल के बाद सर्विस करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस सर्विस में ये बेहतर हो जाएगा। ना हुआ तो फिर कोई सेल का प्रॉब्लम होगी तो वो इंशाल्लाह रिप्लेस करवाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये लगा हुआ है इन्वर्टर और पीछे जो बेटा ये लगे हुए हैं सेल, सोलर सेल, इसकी वीडियो आपने पीछे देखी होगी। इनका ये बैकअप था कि ये पूरी रात जो है ना वापटा का स्विच, इधर से ये जो मैंने ऑफ किया हुआ है ना वापटा, ये ऑफ़ की हुई थी तो रात पूरी यानी ये पंखा, दो तीन पंखे जो फ़ैन होते हैं ना वो चला लेता था। तो 3 दिन से ये क्या कर रहा है, रात को 11 बजे के करीब जाके वो बंद हो जाता है, फिर वापटा ऑन करनी पड़ती है। तो इसके लिए अभी हम ऊपर जाएँगे, सोलर की जो है प्लेटें वगैरह वो देखेंगे, उनकी सफाई, उनकी जो जोड़े वगैरह तारे लगाई हुई हैं उनके ग्रिप वगैरह टाइट करेंगे, दोबारा से इनको सफाई करेंगे उनकी। चले ऊपर, ऊपर आ चुके हैं, सबसे पहले ये वाला ग्रिप निकालेंगे इसका, और ये केबल के अंदर 2-3 जोड़ लगे हुए हैं उनकी सफाई वगैरह करेंगे, उनको दोबारा रिप्लेस करेंगे, देखेंगे क्या मसला है। तो अल्लाह करे इनमें वो प्रॉब्लम ना हुई तो फिर वो जो सेल लगे हुए नीचे उनको चेक किया जाएगा वोल्ट वगैरह के साथ। चलें, इनको निकालने के लिए यूज़ करने के लिए हम ये ग्लव्स वगैरह लेके आए हैं, क्योंकि ये 200 वोल्ट करंट दे रही होती है तो करंट डलने का ख़तरा हो सकता है। ये पकड़ो पीछे थोड़ा सा, ओके, हम ये ग्लव्स यूज़ करेंगे बिजली की शॉर्टेज के लिए, और ज़्यादा हैंडल हो ना। ये जोड़ खराब था, ये काट के निकाला है, ये ब्लैक हुई तार, इसका जब कलर ब्लैक हो जाता है ना तो करंट में वेस्टेज करता है, जैसे कि ये वाली हुई है, जब ये ब्लैक हो जाती है ना तार, काफ़ी बेहतर है फिर भी, लेकिन ये जो ब्लैक हो ना ये करंट को वेस्ट करता है। तो इसके जोड़ हर 1 ईयर बाद जो है ना दोबारा चेंज कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो अभी मैं ये कर चुका हूँ, अभी वो जोड़ रहता है वो करते हैं। चलो आओ, ये जनाब सेल लगाए हुए हैं, करंट पड़ जाएगा बेटा पीछे रहो। तो इनका क्या कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट लगाए हुए हैं ना इनको खोल के साफ करके चेक करेंगे, क्या इनमें कोई कार्बन तो नहीं है, अगर हुई तो उसको रिमूव करने से बेहतर हो जाएगा, अगर ना हुआ तो फिर वोल्ट मीटर लगा के, जैसे ये 2 वोल्ट का एक सेल है, यहाँ से यहाँ तक 2 वोल्ट बन रहे हैं इनको लोड में चेक करेंगे, लोड में जैसे UPS वगैरह चल रहा है ना तो फिर 2 वोल्ट का एम्पेयर मीटर लगाएंगे, तो वो अगर लोड 2 वोल्ट से नीचे आएगा 1.5 पे आएगा तो वो ख़राब होगा सेल, अगर ना हुआ ठीक हुआ तो फिर इसका मतलब वो बेस्ट है, कार्बन की वजह ही है। तो चले देखते हैं, अभी हम आपको इसकी सफाई का दिखाते हैं। ये देखने, ये जैसे इसको साफ़ किया ना, ये थोड़ी थोड़ी कार्बन से ब्लैक हुआ हुआ है, इनको साफ़ करेंगे इंशाल्लाह मीर है बेहतर हो जाएगा, अगर ना हुआ तो फिर अल्लाह का हुक्म, फिर उम्मीद है कि फिर अगर अल्लाह ना करे कुछ हुआ तो फिर एक या 2 सेल कमज़ोर होंगे, तो ये होगा कि फिर वो मुनासिब से साथ देंगे, साथ ये पुराना सेल देंगे, चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद तो पहले ही, अगर अल्लाह करे ना हो, हो सकता है कि इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम हो, वो करंट ज़्यादा पी रहा हो, तो अभी मेरे साथ रहिएगा, सारा इसका रिजल्ट आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम थी।
बिस्मिल्लाह जी, ये सारा सफाई करके इसको फिट कर दिया। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक करम कर दे। ये अभी हमने सिर्फ जो सेल है ना वो ऑन किए हैं, फोकस नहीं कर रहा मोबाइल। ये लोड स्टार्ट हो गया, फैन चल रहा है, लेकिन फ़ैन ने अभी जो है ना लोड नहीं डाला इसके ऊपर। तो अभी हम इसको बैटरी के पहले वोल्ट चेक करते हैं कितने आ रहे हैं। 25.5 वोल्ट आ रहे हैं। तो अभी मैं इसकी लैपटॉप चलो भी ऑन करता हूँ, देखते हैं क्या करता है। तो अभी रिजल्ट आता है फाइनल, फिर हम आपको बताते हैं। देखें, ये सेल नया लेने आए हूँ, ये भाई चेक कर रहे हैं। ये चेक करने का तरीका है देसी मैनुअल, वो अगले वाले ये कमज़ोर है, इनका कम स्पार्क हो रहा है। तो इसी तरह से ये चार्ज वगैरह करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको भी चाहिए हो तो ये हमारे भाई हैं, इनसे रब्ता कीजिएगा इधर। तो आपको मुनासिब कीमत में सेल वगैरह, प्लेटें वगैरह लेनी हो तो मिल जाती हैं बआसानी से। तो ये जितना भी द्रोबे वाला है ना, उनसे सबसे कम रेट और मुनासिब कीमत होती है भाई जान की। तो इंशाल्लाह अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको उनका नंबर वगैरह भी सेंड करूँगा। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है, ठीक है। सेल वो लगा दिया है, आके लोड शोड डाल के चेक किया, बिल्कुल फिट है, परफेक्ट हो गया है। एसी का लोड डाला था तकरीबन 3-4 एम्पीयर, 1000 वाट का लोड सेलों के ऊपर। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं अब। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नंबर मैंने शेयर कर दिया है। अगर आपने सेल वगैरह खुद परचेज़ करने हैं तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरा हवाला दें तो वो इंशाल्लाह आपको मुनासिब देंगे, कम कीमत करेंगे। और कोई चीज़ सोलर के मुतलका, इस मुतलका कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो भाई अपने से आप हेल्प ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको सही और बेहतर तावन बताएँगे कि आप क्या चीज़ ज़्यादा बेस्ट होगी। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।